हेलो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसी वे में और अब हम आपको कन्वैक्स सेट पर दूसरा सेट दूसरा मिनट्स लेकर आए हैं हमने इस पर कई मिनट्स तैयार किए हैं तो आपके लिए दूसरा मिनट ये लेकर आए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमने दस पहले क्वेश्चन दे दिए हैं दूसरा सेट में पहला क्वेश्चन है आप बने रहिए आपको एक एक चीज़ आराम से और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें समझाया जाएगा आपको कहीं नहीं जाना है आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट एस द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट एस इक्वल टू एक्स वाई इज सज दैट तो देखिए इसमें जो है ये हमें दिया हुआ है कि द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एस इक्ल टू एक्स वाई इज सज दैट एक्स स्क्र तो हम जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र लेस दैन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसमें देखिए ये क्या है आप देख रहे हैं कि ये लेस दैन इक्वल टू दिया ट्वेंटी फाइव ये एक इक्वेशन है एक सर्कल की इक्वेशन है आप जानते हैं सर्कल की इक्वेशन है ये सर्कल का सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है दिखाई दे रही है फाइव से इसकी रेडियस आप बी एस सी फाइनल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, निकालने का इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बताइए इसकी रेडियस है फाइव इसकी रेडियस फाइव है और ये लेस देन इक्वल टू कर रहा है इसका मतलब और वी हैव टू टेक ऑल द पॉइंट्स इन साइड द इन साइड वी हैव टू टेक ऑल द पॉइंट्स इन साइड द सर्कल तो हमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब सर्कल के इनसाइड में लेने हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है इसने लेस देन इक्वल टू तो द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग एवरी पॉइंट ऑन इट सर्कम फ्रेंड्स तो ये देखिए हमें क्या लेना है और नन ऑफ दीज तो एवरी पॉइंट्स ऑन इट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट्स देखिए जो भी हम पॉइंट लेंगे हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं ये चाहे हम यहाँ लें चाहे हम हम जो है कहीं भी लें ये हर एक पॉइंट जो है देखिए ये हर एक पॉइंट यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ऑल द पॉइंट्स विल बी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स विल बी एक्सट्रीम पॉइंट सो इसका मतलब एवरी पॉइंट इन सरकम इज एवरी पॉइंट ऑन इट्स फ्रेंस इज़ ये हम देखते हैं कि ऑल द पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमारा जो है फर्स्ट इसका अल्टरनेट सही है दूसरे और जो ऑप्शन हैं वो सब रॉन्ग हैं अब हम चलते हैं आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है ये और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वैक्स इनमें से कौन सा सेट कन्वैक्स है तो देखिए कौन सा है, आप लगाइए एक सेट ये है एक्स डैश एक्स डबल डैश एक्स एक्स डैश देखिए जब भी कभी इस तरह से मल्टीप्लाई में आ जाए ना वो कभी भी कन्वेक्स सेट नहीं बनता है क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन हमने पढ़ी नहीं है जो कन्वेक्स सेट बनाती है तो फिर दूसरा है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री ये है एक्स डैश स्क्वेयर लिखा हुआ है मैंने ये एक्स डैश स्क्वेयर माइनस थ्री ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर इस तरह से लिखी हुई है आपको ये थोड़ा सा ध्यान हो जाए तो देखियो इसको इधर लेके जाओ आप एक्स को इधर ट्रांसफ़र करो तो ये हो जाएगा ये है इधर एक्स डबल डैश स्क्वेयर है और ये एक्स डैश स्क्वेयर है ये एक्स डबल डैश स्क्वेयेर है तो एक्स डबल डैश स्क्र प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स डबल डैश स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर देखिए और प्लस एक्स डैश स्क्वेयर और इस थ्री को इधर ट्रांसफर करिए तो ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री तो ये देखते हैं ये फिर से वही एक स्फीयर इसकी सर्किल की इक्वेशन आ गई है तो इसका मतलब सेट्स आर कन्वेक्स तो ये सेट जो हमारा कन्वेक्स है और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सो गलत है और नाइदर फर्स्ट नोट सेकेंड तो इसमें भी एक गलती है ग्रेटर देन टू हाँ ये जो ग्रेटर देन टू देखिए अगर हम इस सर्कल को लेते हैं ये भी हमारा गलत है सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है तो अगर देखिए इसमें मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि अगर हम इसे लेते हैं कि ये जो सर्कल हमने लिया है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री कर रहा है यानी कि ये अगर हम इसका सेंटर लेते हैं थ्री रेडियस है तो इससे बाहर के पॉइंट बाहर के पॉइंट के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो जब बाहर के पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी कन्वेक्स सेट नहीं है तो ना ना इधर फर्स्ट न और सेकेंड इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है फोर्थ भी गलत है तो अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर विद एक्सप्लेनेशन हम आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सबके बारे में बताएंगे तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वेक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वैक्स इनमें से कौन सा सेट जो है हमारा कन्वैक्स सेट है तो हमारा जो फर्स्ट देखिए फर्स्ट में क्या है एक्स डैश थ्री एक्स डैश ये है थ्री एक्स डैश स्क्वेयर प्लस टू एक्स डबल डैश स्क्वेयर और लेस देन इक्वल टू सिक्स इक्वेशन लिखी हुई है तो देखिए ये भी जो इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कन्वेक्स ये तो गलत लिखा हुआ है इसमें बस ये यहीं तक है ये एक्स की वो बताता है रेस्ट्रिक्शन टू जीरो ये यहाँ पे नहीं है ये गलत है अच्छा ये ये एक तुम्हारा सेट है दूसरा सेट क्या है एक्स डैश और प्लस एक्स डबल डैश स्क्र लेस दैन इक्वल टू फोर तो इसमें भी लेस दैन इक्वल टू है पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी लेस दैन इक्वल टू है तो इसका मतलब हमारा दोनों ही कन्वेक्स सेट है देखो कितना अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है तो आप बने रहिए लगातार आपको ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन क्वेश्चन को अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है कि एक्स डैस और एक्स डबल डैस ये जो एक्स डैस है और एक्स डबल डैस जो है ये दोनों एक्स डैस और एक्स डबल डैस दीज आर ग्रेटर दैन इक्वल टू वन बाई टू दिस बिलोंग्स टू एस डैस दिस बिलोंग्स टू एस डैस ये जो हैं हमारे देखे एक्स डैस और एक्स डबल डैस जो हैं दोनों एस के एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू एस ये लिखा हुआ है बिलोंग्स टू एस अब इसमें इसमें ये कहता है कि वन बाई टू इज़ दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज है ये इम्प्लाइज़ का साइन बना हुआ है दिस इम्प्लाईज़ वन बाई टू ऑफ एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश बिलोंग्स टू एस और एक्स डैश एक्स डबल डैश तो पॉइंट है ही देखिए अगर हम कोई ऐसा स्पेस लेते हैं ये जो इसने बताया एस इसमें एक्स डैश और एक्स डबल डैश कोई दो पॉइंट हैं अगर हम इनको मीट करते हैं ज्वाइन करते हैं दीज टू पॉइंट्स को एक पॉइंट ये एक्स है और दूसरा पॉइंट एक्स डबल डैश है तो देखिए जैसा कि हमने बताया हुआ था ये आपको अभी क्या बता रहे थे कि हम ये कोई स्पेस है इस तरह के का और इस स्पेस में जो है क्या है एक्स डैश और एक्स डबल डैश कोई दो पॉइंट हैं ये कोई दो पॉइंट हमने ले लिए और इनका जो मिड पॉइंट है देखो ये जो लिखा है ना वन बाई टू वन बाई टू ऑफ मिड पॉइंट है मिड पॉइंट अगर हम इसमें लेते हैं इनका मिड पॉइंट लेते हैं हम तो मिड पॉइंट कहां पर होगा ये देखो ये मिड पॉइंट होगा ये एक्स डैश हो गया पॉइंट ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट ऑल्सो लाइज इन द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इस सेट के अंदर ही तो है ये भी तो जब ये भी इसके अंदर है तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स सेट क्या होगा ये द सेट एस इज कन्वेक्स सेट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर और फिफ्थ में इफ एस एन टी आर टू सेट्स इन यूक्लिडियन स्पेस एंड डायमें स्पेस एंड डायमें स्पेस है एस एन टी जो हैं, दोनों है दोनों कन्वेक्स सेट हैं तो देखिए जब दोनों कन्वैक्स सेट हैं तो देन फोर एन स्केलर ए बी ए एस प्लस बी टी एस प्लस बी टी तो इसका ये ए एस प्लस बी टी जो है अगर दो सेट दिए हुए हैं तो एस प्लस बी टी जो है इनका कन्वैक्स कॉम्बिनेशन है तो जो ये कन्वैक्स कॉम्बिनेशन बनेगा एस प्लस बी टी क्योंकि एस भी कन्वैक्स सेट है और टी भी कन्वैक्स सेट है तो एस प्लस बी टी जो है ये इज ऑल्सो ए कन्वैक्स सेट भाई एक सेट हम ये ले लेते हैं दूसरा सेट ये एस सेट है ये टी सेट है तो जब इनका कन्वैक्स कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो ये जो है अगर हम एक एस का एलिमेंट और एक टी का एलिमेंट कोई भी लेंगे तो ये इस तरह से केस बन जाएगा इज ऑल्सो कन्वैक्स सेट तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कन्वैक्स सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन आर तो इसमें कह रहा है कि जो हम अगर फिजिबल सोल्यूशन लेते हैं द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कन्वेक्स एट और फिजिबल सोल्यूशन देखिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं फिजिबल सोल्यूशन क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिकल सोल्यूशंस क्या होते हैं कि अगर मान ली ये कोई हमने दो कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं इस तरीके से टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस दैन इक्ल टू फाइव और फोर एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू लेस दैन इक्ल टू नाइन कुछ इस तरीके से हमने दो ये लिए हैं तो फिजिबल सोल्यूशन क्या, क्या होता है कि वो पॉइंट जो इसको भी और इसको इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो ऐसे जो सेट बनाते हैं हम पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उस में अगर हम इस तरह से लेते हैं ये पॉइंट्स ले लिया हमने तो ये कह रहा है द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कन्वैक्स सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशंस तो ये जो फिजिबल सोल्यूशंस का जो हम कन्वैक्स सेट बनाए हुए हैं उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा अब ये एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसका तो एक्सट्रीम पॉइंट विल बी फाइनाइट इन नंबर तो जो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट जो है या तो देखिए या तो एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ हो सकता है याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ हो सकता है भाई यहाँ होगा या यहाँ होगा जो इसके एंड पॉइंट्स बनेंगे वहीं पर तो होगा तो इस तरह से ये यहाँ पर बन सकता है इसका क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट्स तो विल बी द एक्सट्रीम पॉइंट्स विल बी फाइनाइट इन नंबर तो ठीक है स्टूडेंट्स आप बने लगातार आपने एक भी स्टेप छोड़ा तो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं आप लगातार स्क्रीन पर देखते रहिए हम आपकी तैयारी बहुत ही आसान तरीके से और ऐसे क्वेश्चन के तरीके बता रहे हैं कि आप इनको नहीं भूल पाएंगे ऐसा सोल्यूसन तो किसी ने आज तक दिया ही नहीं होगा जैसा हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लिए बना रहे हैं तो सेवंथ क्वेश्चन है विज ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है ये बताना है हमें एन एक्सट्रीम पॉइंट इज ए एन एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट होता है एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी एनी अदर टू पॉइंट्स एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी अदर टू पॉइंट्स ऑफ द सेट और बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो इस तरह से दिखा, दिखा, दिखाया हुआ है वन ऑफ दीज तो इसमें देखिए ये कह रहा है अब फिर से पढ़ते हैं आपको समझाने के लिए एक बार कि एन एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट जो है इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट एक्सट्रीम पॉइंट देखिए अगर हमने ये इस तरह से कोई पोलाइगन लिया है ये तो क्वारडिलेटर है ठीक है हम कोई भी पोलाइगन लेते हैं अगर हम ट्राइंगन ले सकते हैं हम पेंटागन ले सकते हैं हम हेक्सागन ले सकते हैं तो हमने जो पोलाइगन लिया है विच ऑफ द फोर इस तो दो ये कह रहा है एन एक्सट्रीम पॉइंट इज़ ए बाउंड्री पॉइंट देखो एक्सट्रीम पॉइंट ये होते हैं मैं आपको बताता हूँ ऐसा भी आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स जो हैं हमारे ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये आप मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको लगातार सारी वीडियो देखिए आप पूरा कहीं आप नहीं छोड़ेंगे तो आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे आपको अदर से बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम सारे क्वेश्चन आपके लिए करा देंगे आपके हंड्रेड में से हंड्रेड नंबर आएंगे तो ये है एन एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट एक्सट्रीम पॉइंट जो है ये बाउंड्री पॉइंट तो है ठीक है ये बाउंड्री पे तो पड़ते हैं ये ठीक है ये, ये चारों जो पॉइंट है हमारे बाउंड्री पॉइंट है तो ये पहला ऑप्शन सही है ठीक है हम सेकंड पे चलते हैं एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी अदर टू पॉइंट ऑफ द सेट एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी देखो एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी अदर टू पॉइंट्स ऑफ द सेट अगर हम इस पर कोई और दो पॉइंट लेते हैं देखो ये ये हो गया हमारा अगर हम इस पर कोई दो और पॉइंट ले लेते हैं अगर हम कोई और दो पॉइंट ले रहे हैं आप देखिए हम इस पर मान लिया ये पॉइंट ले लिया हमने और ये पॉइंट ले लिया तो एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन तो इसके बीच में कहाँ पड़ रहा है नहीं पड़ रहा बिटवीन एनी टू अदर पॉइंट्स ऑफ द सेट नहीं पड़ रहा है इनके बीच में कहीं भी हम कोई दो पॉइंट लेंगे तो ये कहाँ पड़ रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट कहीं नहीं पड़ रहे हैं यहाँ और यहाँ लेते हैं तो नहीं पड़ रहे हैं यहाँ और यहाँ लेते हैं तो नहीं पड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है फर्स्ट भी ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन क्या है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वेरी गुड तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हमें एक्सप्लेन करता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो आप लगातार बने रहिए गाइस आपको हम ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप इनको नहीं भूलेंगे कभी भी अब देखिए अब गाइस देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर एट है और क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ क्या है इफ द कन्वैक्स लीनर कॉम्बिनेशन इफ द कन्वैक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स तो देखिए इफ द कन्वैक्स लीनर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट बाई तो ये इस तरह से दिया हुआ है इसने कि एक्स जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने वाले हैं लेमडा एक्स वन और प्लस या इसमें लेमडा डैश एक्स डैश दिया हुआ है तो ऐसे लिख लेंगे और प्लस लेमडा अब जो है तो देखिए इस ये लेमडा एक्स डैश प्लस लैमडा डबल डैश एक्स डबल डैश ये इस तरीके से हम अगर लेते हैं देन लेमडा डैश लेमडा डबल डैश इज लेस देन जीरो ठीक है और लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि लेमडा डैश प्लस लेमडा डबल डैश इज इक्वल टू वन है यानी कि इन दोनों का सम जो है लेमडा डैश और लैमडा डबल डैश का ये वन है ठीक है अब इसकी देखिए सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं लेमडा डैश लेमडा डबल डैश इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो से कम कब होते हैं जीरो से कम तो नहीं होता कोई भी ये जीरो से कम नहीं होते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है जीरो छोटे नहीं होते कभी भी लैमडा वन लेमडा टू या लेमडा डैश लेमडा डबल डैश आप जिस बुक से पढ़ते हैं किसी में लैमडा वन लेमडा टू है किसी में लेमडा डैश लेम डबल डैश है तो ये जो है जीरो से कम नहीं होते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा लेमडा डैश लेमडा डबल डैश इज लेस दैन वन लेमडा डैश और लैमडा डबल डैश की जो वैल्यू है वो वन से कम है ठीक है वैल्यू तो वन से कम होती है तो बात हम मान लेंगे अच्छा अब आगे देखते हैं लेमडा डैश लेकिन वन से कम होने पर जीरो भी तो हो जाती है किसी एक की वैल्यू जीरो भी हो जाती है उसका ये एक्सप्लेन नहीं करता तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है फर्स्ट भी रॉन्ग है सेकंड भी रॉन्ग है थर्ड पे आ जाओ लेमडा डैश लेमडा डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो जीरो से तो बड़े होते हैं लेकिन ये सही एक्सप्लेन नहीं करता है कि जीरो से बड़े तो हमारे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हो सकते हैं लेकिन ये कंडीशन हमारी लेमडा डैश प्लस लैमडा डबल डैश इक्वल टू वन को फुलफिल नहीं करता है तो फिर ये जो हमारा फोर्थ है यही अल्टरनेट बचता है और इसमें दिया हुआ है कि लेमडा डैश और प्लस लैमडा डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हाँ ये सही है इज ये जीरो भी हो सकते हैं इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है इनमें से किसी एक की वैल्यू जीरो हो सकती है तो इसका मतलब हमारा ये फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है तो गाइज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करिए हम आप जो भी आप जवाब मांगेंगे हम उनके जो भी जो भी कमेंट लिखेंगे उनके जवाब देंगे आपको और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए आपके क्वेश्चन हम चाहते हैं कि अच्छे नंबर आपके आएँ तो अब धन्यवाद हम दूसरी वीडियो डालेंगे फिर जल्दी से ही